और आपकी वीडियो देखी, मॉडिफिकेशन किए, तो हमने कहीं और देखे नहीं, डायरेक्ट आपके पास ही आए हैं। बहुत अच्छा काम है, पूरा वैल्यू फॉर मनी है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप भी बेस मॉडल लेके आते हो और बेस शूट ऑफ कराते हो तो अप टू 90% तक जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। कनेक्टिंग टेल लाइट इसमें लग गई है, जेन्युइन मारुति सुजुकी पार्ट्स में आता है। तो जी राम राम सही भाइयों को, क्या हाल है भाइयों आप सबके, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। भाइयों कृष्ण रवि के पास आए ऑटो यूनिक पे, फ्रॉन्ग सा रखे भाई, बेस मॉडल हो भाई, मैक्सिमम गाड़ियाँ बेस मॉडल ही आती हैं भैया के पास। बेस टू टॉप वाला काम कर रहे हैं, बढ़िया काम, अच्छा इंटीरियर हो रहा है इसमें, शानदार प्राइसिंग के साथ और एक अच्छी क्वालिटी के साथ। ठीक है भाई, मेन मैटर करती है क्वालिटी, तो A1 क्वालिटी का काम हो रहा है इसमें। तो एंड तक देखना कितना खर्चा आया और कितना डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, वो आपको आगे चल के वीडियो में चलेगा पता। वीडियो करते हैं शुरू, वीडियो शुरू करने से पहले नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूँ सोस्त मस्त अपने घर में कुशल मंगल होंगे। अगेन आज फिर से मैं कृष्ण तिवारी एक नई वीडियो में पहले तो आपका मोस्ट 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 वेलकम करता हूँ। और आज सबसे पहले गाड़ियों की भीड़ चेक कर लो आप, 1 2 3 4 5 गाड़ियाँ इस लाइन में लगी हुई, और सेम आप देखेंगे वहाँ पे पहले नंबर पे व्हाइट कलर की गाड़ी, फिर नेक्सा ब्लू, फिर व्हाइट, फिर दोबारा व्हाइट, फिर नेक्सा ब्लू, 5-6 गाड़ी उस गाड़ी लाइन में लगी है। यानी कि 14-15 गाड़ियाँ अभी लगभग इस यहाँ पे खड़ी है अपने पास। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सारी गाड़ियाँ फ्रॉन्ग्स खड़ी है, और सुबह से 6 गाड़ियों की जा भी चुकी है। तो इस लेवल का आपको काम फ्रॉन्ग्स का हम हमेशा करके देते हैं, बेस टू टॉप से लेके एक हायर अच्छे से अच्छा काम। आज आपको बेस मॉडल नहीं दिखाने वाला, मैं आपको डेल्टा प्लस मॉडल दिखा रहा हूँ, और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें एक ऐसा इंटीरियर के लेके या एक्सटीरियर को लेके मॉडिफाई होती है वो सब कुछ इसके अंदर है। या फिर नेक्सा जेन्युइन एक्सेसरीज की बात करो, या अंदर की तरफ सीट कवर इंटीरियर की बात करें, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ और देखते हैं क्या क्या काम ऐसा है जो इसके अंदर हुआ है, प्लस आप करा सकते हैं अपनी गाड़ी में। सबसे पहले इसमें ऑप्शन होता है आपके पास, पूरी आप फ्रंट ग्रिल चेंज करा सकते हो एज इट इज, जो आपका कंपनी का जेन्युइन आता है और प्लस टॉप मॉडल वाला आता है वो आपके ऑप्शन होता है। इसी गाड़ी के अंदर, इसी सिस्टम के अंदर जो डेल्टा प्लस में आता है, आप 360 करा सकते हो, जिसका फ्रंट कैमरा भी ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। बाकी इसमें DRL और हेडलाइट जो है वो कंपनी से ही आता है, तो चेंज करने का कोई चॉइस नहीं होती, ऑप्शन नहीं होता। बाकी आप चाहें तो इसी में अगर आप प्रोजेक्टर फॉगलाइट लगाना चाहते हो वो भी आप इंस्टॉल करा सकते हो, वो भी चॉइस होगा। बाकी बहुत सारे लोग ये आपका अलॉय व्हील छोड़ के अपने पर डायमंड कट अलॉय होते हैं वो लगवा के जाते हैं, ये एक्सचेंज हो जाता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस होकर डायमंड कट अलॉय आपके लग जाता है, वो भी ऑप्शन होता है आपके पास। इसके साथ साथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एज इट इज आपका व्हील आर्च लग चुका है, जो नेक्सा जेन्युइन एक्सेसरीज में आता है वो यहाँ लग चुका है। इसके बाद मिरर के साथ आपके पास चाबी से ही लॉक अनलॉक का ऑप्शन होता है, वो भी आप करा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे रेन वाइजर है, हैंडल क्रोम है, नीचे साइड बीडिंग है, जो एज इट इज नेक्सा जेन्युइन एक्सेसरीज में आता है। और अगर आप भी बेस मॉडल लेके आते हो और बेस शूट ऑफ कराते हो तो अप टू 90% तक जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा, और अगर डेल्टा प्लस मॉडल लेके आओगे तो 60-70% आपको इजीली डिस्काउंट जो है वो मिलता है। अगर आप सिर्फ ये क्रोम आइटम भी कराओगे ना, फिर भी आपको 60% डिस्काउंट मिलने वाला है मेरे तो। इसके साथ साथ आप बात करूँ, यहाँ पे आप देखोगे व्हील आर्च गार्निश, यहाँ पे आप देखेंगे विंडो गार्निश है, जो एज इट इज है SS क्वालिटी के अंदर, स्टेनलेस स्टील क्वालिटी के अंदर, जो कभी खराब नहीं होता, आपका कभी रस्ट नहीं पकड़ता, 3 साल से ज़्यादा आपको इसकी वारंटी मिल जाती है, ये सबसे अच्छा पार्ट आपको मिलता है। इसके साथ साथ डोर में डैम्पिंग हो चुकी है, जिससे आप डोर देखेंगे यहाँ पे, जहाँ पे डैम्पिंग नहीं होती पहले आपको मैं वहाँ चेक कराएगा, बिल्कुल ठक 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 ऐसा साउंड आता है, और जहाँ डैम्पिंग है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल एक हैवी और एक हार्डनेस जो क्वालिटी है ना वो डैम्पिंग का आपको महसूस हो जाता है डैम्पिंग की वजह से। इसका रीज़न क्या है, मैं मारुति की हर गाड़ी में आपको डैम्पिंग ज़रूर रिकमेंड करता हूँ, जिससे क्या है आपकी गाड़ी एक हैवी हो जाए, एक हार्डनेस गाड़ी हो जाए, और प्लस अगर रोड पे आप चल रहे हैं तो रोड नॉइज आपका खत्म हो जाए, प्लस अगर मैं बात करूँ अंदर का म्यूजिक का बहुत अच्छा आउटपुट बन जाए, एसी की कूलिंग बहुत अच्छी हो जाए, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाए सिर्फ एक डैम्पिंग कराने से। और हर गाड़ी के अंदर यहाँ पे डैम्पिंग जो है अभी हो रही है इसी वजह से, और मारुति गाड़ी में हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप टॉप मॉडल भी लेके आओगे ना उस पर सिर्फ ऐसे पन्नी चढ़ा हुआ होता है, उस पर भी डैम्पिंग नहीं हुई होती, तो ये थोड़ा सा रहता है हर गाड़ी के अंदर, मारुति गाड़ी के अंदर, जो आप यहाँ से करा सकते हो। पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं, फिर चलेंगे अंदर, एक शानदार इंटीरियर चेक करेंगे कैसा है। इसके साथ साथ बैक प्रोफाइल में हम आ चुके हैं, सबसे पहले आप देखोगे कनेक्टिंग टेल लाइट इसमें लग गई है, जेन्युइन मारुति सुजुकी पार्ट्स में आता है। और सबसे अच्छी चीज़ होती है टेल लाइट की, सिर्फ यहाँ तक जो होता है ना पहले से जलती है, चाहे आप टॉप को छोड़ के जितने भी मॉडल होते हैं, चाहे डेल्टा प्लस हो गया, डेल्टा प्लस EGS हो गया, या जेटा मॉडल तक हो गया, सिर्फ यहाँ तक लाइट जो है वो जलती है। अभी आप देखोगे यहाँ से लेके लास्ट वहाँ तक जो है वो अपनी कनेक्टिंग लाइट जो है वो जलने वाली आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर बात करें नीचे की तरफ, तो यहाँ पे अपना रिफ्लेक्टर लाइट यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है, प्लस यहाँ डिग्गी का क्रोम है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्लस रिफ्लेक्टर अगर मैं बात करूँ तो जैसा इसका शेप आता है, जैसा इसका इंडिकेटर आता है ना, सेम एज इट इज इसी तरीके का यहाँ पे आपको पूरा रिफ्लेक्ट करता हुआ मिलेगा, जैसा आपका यहाँ पे इंडिकेटर
चल रहा है वैसा ही इंडिकेटर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये सबसे बेनिफिट वाला पार्ट जो है एक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर बात करें डेल्टा प्लस मॉडल के अंदर ही आपको बैक कैमरा नहीं मिलता। इसकी क्लैरिटी देख लो, इसकी फिटमेंट चेक कर लो, अगर मैं इसको टाइटली पकड़ के हिलाऊंगा या निकालना चाहूंगा तो वो भी नहीं निकलेगा। इतना शानदार और अच्छी फिटिंग के साथ यहाँ फिटिंग हो चुका है। अंदर पार्सल ट्रे ऑलरेडी कंपनी से आते हैं। यहाँ पे कुछ पिलोर्स हैं जो आप अगर अपना सीट कवर और पूरा इंटीरियर अगर कराते हो तो उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, वो इसके अंदर रखा गया है। बाकी साइड में आप देखोगे बूट लाइट लग गया है जो जेन्युइन मारुति का होता है। यहाँ पे सेंसर के साथ भी वर्किंग हुआ और एज इट इज अंदर से स्विच के साथ भी वर्किंग हुआ, दोनों तरीके से आपको वर्किंग मिल जाता है। अब अंदर चलते हैं और एक शानदार अमेजिंग इंटीरियर आपको दिखा दूँ कि किस तरीके का है, जो आप अपनी गाड़ी में करा के भी दिल खुश हो जाने वाला है आपका, ऐसा इंटीरियर। स्पेशली नेक्सा ब्लू कलर की गाड़ी है ना, उस गाड़ी के कलर के हिसाब से हमने इंटीरियर किया है और अंदर का पूरा कॉम्बिनेशन से मैच किया, जो मतलब और शानदार है। अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कैसा सारा कुछ है। तो सबसे पहले आप आएंगे अंदर की तरफ, तो सबसे पहले यहाँ पे एम्बियंट लाइट है जिसका बिल्कुल शानदार पार्ट आप देख पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है। 0-0 फिनिशिंग है, कहीं पे भी आपको ऊपर नीचे नहीं मिलता, ये सबसे अच्छी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। प्लस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी कुशनिंग है, जो इसकी पूरी सिमेट्री है ना, वो बहुत प्रीमियम आपको मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे 10 कलर से पूरा स्टिचिंग किया हुआ है, एज इट इज़ कहीं पे भी आपको हल्का सा ना गैप नहीं मिलता, इतना ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ पूरा इंटीरियर हुआ है। 3 थ्रेड यहाँ पे आपको मिलते हैं, फिर 3 थ्रेड यहाँ मिलते हैं, फिर 3 थ्रेड आपको यहाँ मिल जाते हैं। कुशनिंग आप इसमें चेकआउट कर पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम तरीके से कुशनिंग है, बहुत अमेजिंग कुशनिंग आपको मिल जाती है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे साइड मिरर ऑलरेडी कंपनी से आता है, सेम एज इट इज़ हम बेस मॉडल में करके देते हैं। प्लस ट्विटर का ऑप्शन होता है, इसमें ट्विटर नहीं आता, वो आप करा सकते हैं ट्विटर। अंदर की तरफ अगर चलें तो सबसे पहले स्कफ प्लेट लग चुका है यहाँ पे, जो ब्लू और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के अंदर है, काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी अच्छा लगता है। अंदर बाहर जैसे ही हम आते जाते तो क्या स्क्रैच प्रूफ रहता है और काफ़ी अच्छा रहता है, लुक इसका मिल जाता है। अंदर की तरफ अगर हम चेक करें तो सबसे पहले नीचे अपनी डाई वाली फ्लोरिंग हो चुकी है, जो एज इट इज़ आगे से लेके पीछे तक रहती है, वॉल टू वॉल। और सबसे खास बात क्या है इस फ्लोरिंग की ना, ये कहीं से कटिंग फटिंग नहीं रहती, कहीं से ज्वाइंट नहीं रहता, एक सिंगल लेयर में होती है और वाटर प्रूफ रहती है पूरी। हर जगह जो शेप होता है गाड़ी का ना, वो शेप पूरा बना होता है, तो एक शानदार फिटमेंट रहती है, हर जगह से पूरा प्रॉपर रहता है। इसके ऊपर अपने मैट हैं जो लॉन्ग लाइफ मैट है और प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ पूरा मैट रहता है, ये भी आपका कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं रहता, सबसे अच्छी चीज़ आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे डैशबोर्ड चेकआउट कर पाएंगे, इसमें आप चेक करिए कोने पे कोई एक्स्ट्रा गैप नहीं मिलता, डबल टोन में है, ऊपर 10 कलर है, नीचे ब्लैक कलर है, ये भी आपको बहुत काफ़ी प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आपको डबल स्टिचिंग देखने को मिल जाता है, जो और अच्छा देखने को मिलता है आपको। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं एम्बियंट लाइट का पार्ट है, जो काफ़ी प्रीमियम के साथ और काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको आप 84 कलर में लगा सकते हैं। और एम्बियंट लाइट आपने मैक्सिमम गाड़ी में देखा होगा, पर सबसे शानदार और अच्छी चीज़ क्या होती है एम्बियंट लाइट की ना, कि इसकी फिटमेंट बहुत अच्छी आनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ना बिल्कुल प्रॉपर है, कहीं पे भी अनइवन नहीं है, यानी कि अंदर बाहर नहीं जा रहा, ये सबसे अच्छी चीज़ आपका एम्बियंट लाइट देखने को मिलता है। प्लस यहीं पे आपको स्विच मिल जाता है, जिससे आप जितने मर्जी कलर चाहें उतने मर्जी कलर में चेंज कर सकते हैं। ये अभी आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे, जितना आप कलर इसको चाहें उतने कलर में, 84 कलर में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी अच्छी खासी लाइटिंग है, उसके बाद भी आपको जो है ये आपको देखने को मिलता है। अभी जैसे मल्टी कलर पे है तो मल्टी कलर भी आप इसको करके रख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चेंज होता जाएगा। और अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि किस तरीके से पूरा एक शानदार इंटीरियर हुआ है, जो एक दिल खुश कर देने वाला है। अंदर चलते हैं, फाइनली अंदर आ चुके हैं हम, और अंदर आप देखेंगे एज इट इज़ आपको सीट कवर देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, हर जगह से बिल्कुल एक लग्जरी फील के साथ मिलता है। आप देखेंगे जो इसमें ना कुशनिंग है, एक जो थाई सपोर्ट है, वो बहुत अच्छी है आपको देखने को मिलता है। प्लस जैसे इस फैब्रिक पे ऐसे अब हाथ फेरोगे ना, इसका रियल गुडनेस क्या है, इसका सॉफ्ट टच फील क्या है, वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। प्लस आप यहाँ पे चेकआउट करोगे एज इट इज़ जो थाई सपोर्ट है आपको, वो काफ़ी अच्छे से आपको देखने को मिलता है। सेम एज इट इज़ बैक सपोर्ट आपका काफ़ी प्रीमियम जो है वो देखने को मिल जाता है। 3 थ्रेड सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फिर 3 थ्रेड यहाँ देखने को मिल रहा है, फिर 3 थ्रेड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अपना जो सिग्नेचर पैटर्न होता है ना, वैसा आपका सीट कवर है। और जैसे कि इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है ना, वैसे हमारे पास होती नहीं कि हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे सीट कवर है। इसका रीज़न क्या है, हमारे पास सबसे ज़्यादा अच्छे और प्रीमियम जो हमारे सीट कवर है। हो सकता है ये आमरेस, ये स्टीयरिंग, ये म्यूजिक सिस्टम, ये साइड मिरर, ये आप पूरे इंडिया में कहीं से लगवा सकते हो या यहाँ से कुरियर मंगवा के आप इजी से फिटिंग करा सकते हो, पर ऐसी क्वालिटी सीट कवर आपको कोई नहीं दे सकता। ऐसी फिटमेंट, ऐसी क्वालिटी, ऐसा फैब्रिक, हर एक चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटो यूनिक पे मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है, आज नहीं, आज से साल दो साल नहीं, कई दशक पहले से अपने पास सीट कवर की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, और जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है अपने पास, अपना प्रीमियम सोफा लेमिनेशन आता है और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको कुशनिंग मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं सीट कवर की बात करूँ प्राइसिंग की, तो 4000 से अपने पास सीट कवर स्टार्ट हो जाता है, जो कंपनी देती है वही सीट कवर अपने पास 4000 रुपये का मिलता है, कंपनी में 8500 रुपये का, अपने पास 4000 का मिलता है। इसके ऊपर नापा लेदर 4500, साका लेदर 5500, रॉयल टच जिसकी लाइफ टाइम वारंटी आती है, और काफ़ी प्रीमियम सीट कवर होता है वो 7500 रुपये, 9500 सोफा लेमिनेशन, और प्रीमियम सोफा लेमिनेशन जो 12500 ये सीट कवर है,
जो हमेशा से हम लगाते आए हैं और काफी ज्यादा प्रीमियम है। 6 साल पहले से हमारे पास ये रेट है और आज 2024 चल रहा है, 2024 में भी ये रेट है। ये सबसे अच्छी चीज अपने पास आपको मिलती है। और 40 mm कुशनिंग होती है इसके अंदर, जिसमें 21 mm का तो सिर्फ मेमोरी फोम होता है और 19 mm फैब्रिक के साथ फोम पेस्ट होता है, जो आपको एज अ लग्जरी सीट कवर देखने को मिल जाता है। काफी प्रीमियम और अच्छा सीट कवर है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप चेक करोगे नेक रेस्ट आपको मिल जाता है, जो इजीली आप 1000 रुपये की कॉस्ट के अंदर आप चारों बनवा सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे पाइपिंग आपको मिल जाता है, 3 थ्रेड मैंने आपको चेक किया। इसके साथ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, पीछे से पूरा ब्लैक कलर है, अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पूरा सारा सीट कवर है। अगेन कह रहा हूँ, इसकी जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। आप किसी भी अच्छे से अच्छे ब्रांड से कंपेयर कर लो सीट कवर, प्राइसिंग के साथ भी, क्वालिटी के साथ भी। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग अपने पास है जिस वजह से आपको इतनी शानदार क्वालिटी मिलती है कम से कम प्राइस के अंदर। और यही सीट कवर अगर मैं एज अ पूरा इंटीरियर की बात करूँ, जिसमें चारों डोर सॉफ्ट टच आपको मिलते हैं, स्टीयरिंग के ऊपर आप देख सकते हो एज इट इज़ बहुत अच्छी कुशनिंग के साथ, बहुत अच्छी एज अ थ्रेड वर्क के साथ यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पूरा इंटीरियर हुआ हुआ है। और इस सिर्फ एक डोर आपका स्टीयरिंग करने में 1 से 1.5 घंटे आपका लगता है इंटीरियर में। इसकी कॉस्ट आती है आपकी 300 रुपये से स्टार्ट होती है, 1500 तक की क्वालिटी जाती है इसमें। और ये पूरा आपका स्टीयरिंग हो गया। डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट टच आप जैसे यहाँ पे चेकआउट कर पाओगे। इसके साथ साथ डोर की अगर मैं बात करूँ, सारा पूरा इंटीरियर मिला के सीट कवर के साथ यही क्वालिटी सीट कवर टोटल 23,000 रुपये कॉस्ट पड़ता है, जो आपको डिस्काउंट करके 20,000 रुपये का पड़ता है। और मैं अगेन कह रहा हूँ, आप ऑल ओवर इंडिया 5 सीटर किसी भी गाड़ी के लिए ऐसा इंटीरियर करा सकते हो आप इतने कम प्राइस के अंदर पूरा सारा इंटीरियर। और फिर कह रहा हूँ, आप अपने शहर में अपने घर में मंगवा के आप वहीं फिटमेंट करा सकते हो, 0 शिपिंग चार्ज लगने वाला, 0 पहली बार ऑफर दे रहा हूँ, 0 शिपिंग चार्ज के साथ आप अपने घर मंगा सकते हो। शिपिंग चार्ज भी इसमें 1200-1200 रुपये लग जाता है, पर 0 मैंने कर दिया इस टाइम पे और आप अपने घर में मंगा सकते हो। इसके साथ साथ सेंटर आमरेस्ट जेनविन कंपनी का आपको इसमें भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। इसमें भी रियर एसी जो है वो वर्किंग आपको देखने को मिल जाता है, सिस्टम कंपनी से लगा आता है। आप डैशबोर्ड में भी एमए लाइट चेक कर सकते हो, फिटमेंट इसकी काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पे रूफ लाइट आपका लगा हुआ था, ये आप बेस मॉडल में लगवा सकते हो। नीचे मैंने मैट आपको चेकआउट करा दिए, पीछे की एक बार सीट आप चेक कर सकते हो, काफ़ी प्रीमियम है, वो भी एज इट इज़ आपको देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं ओनर से जानते हैं सारा काम कैसा रहा, कैसी क्वालिटी रही और कितने सेटिस्फाई हो। जितनी सारी गाड़ियाँ आपका प्यार आ पाता है, इस वजह से हम और अच्छे से अच्छा कोशिश करते हैं आपको हर एक गाड़ी में एक नेक्स्ट लेवल काम, एक नेक्स्ट लेवल चीज़ें डिलीवर करके दे सके। अब चलते हैं ओनर से जानते हैं कैसा सारा काम है। तो फाइनली सारा काम कम्प्लीट हो चुका है, अपने साथ छोटे चैंपियन आ चुके हैं, इनके मदर फादर जो अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो है रिव्यू देंगे। तो भाई से जानते हैं कैसा काम रहा और कहाँ से आए थे, क्या नाम है बच्चे आपका? मेरा नाम है अरहान सफी और मैं उत्तम नगर से आया हूँ, दिल्ली से। यहाँ तो कब से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं? मैं 2-3 वीक हो गए मेरे को। 2-3 हफ्तों से आप रेगुलर देख रहे हैं? हाँ। क्या बात है जी, तो वीडियो देख के गाड़ी ली है? हाँ, वीडियो देख के, और गाड़ी तो हम वैसे भी देख ही रहे थे जी। और आपकी वीडियो देखी, मॉडिफिकेशन किए, तो हमने कहीं और देखे नहीं, डायरेक्ट आपके पास ही आए। मतलब अभी काम कैसा लगा? सीट कवर आपने देखा, डैशबोर्ड देखा, बहुत अच्छा काम है, सारा कुछ बहुत अच्छा, बहुत जी कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो सारे काम से? मम्मी पापा कैसे सेटिस्फाई हैं? सारे पक्का? मतलब लग रहा है कि अगर हमारे पास आ रहा है कोई तो कंप्लीट अच्छे से काम करा के जा सकता है, वैल्यू फॉर मनी सारी चीजें, पूरा वैल्यू फॉर मनी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद छोटू, थैंक यू सो मच। पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, और अंकल जी और आंटी का भी बहुत बहुत थैंक यू, वो वीडियो में नहीं आना चाह रहे थे, बाकी भाई ने ये हमारे लिए सपोर्ट किया कि आके रिव्यू दिया। और बाकी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपका भी दिल से धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। ऐसी काम के लिए एक बार जरूर विजिट करिए आप ऑर्गेनिक पे, मैं ये नहीं कहूँगा आके काम ही कराइए, पर एक बार ऐसे काम की वजह से इतनी गाड़ियाँ आती हैं, तो आके एक बार देख जाओ, समझ जाओ, काम की क्वालिटी देख जाओ, प्राइसिंग देख जाओ, बाकी चॉइस आपकी मर्जी आपकी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा आके डायरेक्टली काम ही कराओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियोस के लिए, एक बार जरूर चैनल को फॉलो करें, थैंक यू सो मच। तो जी भाई कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बता देना भाई, जितना भी गाड़ी में काम किया गया है, जो खर्चा है 80,000 रुपये के आसपास गाड़ी में खर्चा, कोई भाई इस तरीके से काम कराना चाह रहा है आ जाना भैया के पास, बढ़िया काम कर देंगे बेस्ट प्राइस में। और जितनी भी फ्रॉन्क्स की एसेसरीज आपको चिपकाने वाली, उस पर आपको 90% ऑफ मिलने वाला है, ठीक है भाई। बाकी कैसी लग रही है लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और कमेंट करके बताना गाड़ी कैसी लग रही है। बाकी ऐसी प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।